उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के इलाहाबाद म्यूजियम फाउंडेशन के तत्वाधान में मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि के याद में उनके गीतों की महफिल सजाई गई। स्थानीय गायकों के अतिरिक्त दिल्ली और मुंबई से भी गायक और संगीतकार भाग लिए एवं अपने मधुर गीतों से श्रोता गणों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गायककार डॉक्टर एसपी मिश्रा के गीतों पर दर्शक दीर्घा में बैठे श्रोताओं ने खूब तालियां बजाई और गीतों का आनंद लिया। डॉक्टर मनीषा द्विवेदी, डॉक्टर घनश्याम मिश्रा, डॉक्टर सुभाष करीन, अंकिता पाठक, नीरज गोस्वामी, डॉक्टर राजकुमार, इंजीनियर संजीव त्रिपाठी, डॉक्टर पीयूष टंडन, डॉक्टर दिवाकर झा, माया जायसवाल, डॉक्टर स्मृति शांगलू, डॉक्टर आभा सिंह, नीलिमा सिंह, चंदना मुखर्जी आदि ने एक से बढ़कर एक नगमे सुनाकर लोगों का दिल जीत लिया। आज मोहम्मद रफ़ी साहब की 42वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष में उनकी याद में हम लोगों ने स्मरण करते हुए उनको एक बहुत ही उनके गीतों का रंगारंग कार्यक्रम पेश किया NCHCC में, जो शाम को 6:45 बजे से लेकर के रात को 9:15 बजे तक चला और उसमें उनके सारे गाने गाए गए। जो डुएट से उसमें भी उनकी आवाज़ थी, बिना उनकी आवाज़ के कोई डुएट नहीं हुआ। और गाने वाले लोगों में से बम्बई से लोग आए थे, दिल्ली से लोग आए, म्यूजिशियन सब दिल्ली से आए हैं और यहाँ के स्थानीय लोग बहुत हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ नॉन डॉक्टर, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ आर्किटेक्ट हैं, बहुत अच्छा गाने वाले लोग, तो बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए इन्होंने। हम लोगों ने 30 गाने गाए इतनी देर में और रफ़ी साहब को याद किया। शुरुआत में हम लोगों ने रफ़ी साहब को पुष्प अर्पण किया और उनकी आवाज़ में जो उनका आखिरी गाना था वो बैकग्राउंड में आता रहा। डॉक्टर मनीषा द्विवेदी ने इनॉग्रेट किया, डॉक्टर स्वतन शर्मा साहब चीफ गेस्ट थी हमारी, जो म्यूज़िक की पुरानी हेड हैं, डॉक्टर पीके सिन्हा, डॉक्टर शांगलू, ये लोग हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे, इन्होंने इनॉग्रेट किया और बहुत ही रंगारंग, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। आशा करते हैं कि अगले साल हम लोग इससे भी बेहतर कार्यक्रम करेंगे।